जेठानी जी का वीडियो आ चुका है और मैंने सिर्फ 25 मिनट देखी है और 25 मिनट के बारे में ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मैं पिछले वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि मैं इतना लंबा चौड़ा वीडियो एक सांस में नहीं देख पाती हूँ। और कुछ कुछ चीजों से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है जिसको यहाँ पे आज मैं रिवील करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शंस। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शंस लेकर आते रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कामिनी जी ने जो बोला है कि रिएक्शन चैनल वालों को ये स्ट्राइक देने की बात कर रही थी दीदी जी, तो दीदी जी के बारे में बिल्कुल मैं सहमत हूँ कामिनी जी से, क्योंकि मुझे कामिनी जी पे इस बारे में पूरा पूरा भरोसा है कि दीदी जी ने ऐसा बोला होगा, क्योंकि दीदी जी इसी नेचर की हैं। जिस तरीके से वो शुरू से उनकी क्रोनोलॉजी में देखती आई हूँ तो दीदी जी इसी नेचर की हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दीदी जी ने ये चीजें और ये स्टेप लिया था कि रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक दूंगी और पता भी नहीं चलेगा। तो दीदी जी आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं YouTube पे ऐसे ही हलवा खाने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है। 12,000 सब्सक्राइबर्स भले हैं और वो भी इसलिए हैं क्योंकि मैं YouTube पे ज्यादा काम धाम नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा कि 6-7 महीने हो गए YouTube ज्वाइन किए हुए मुझे, मैं कितना एक्टिव रहती हूँ। और ये जो आप बातें कह रही है ना कि स्ट्राइक दे दूंगी और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा, तो शायद आपको पता नहीं है, ओप्स, आप थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी हैं, आपको न्यू अपडेट्स के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आपको एक बात बता देती हूँ कि जो भी स्ट्राइक देता है ना, कैसा भी स्ट्राइक, अगर इंसान की थोड़ी बहुत अच्छी पहुंच है तो उसको पता चल ही जाता है कि ये स्ट्राइक आया कहाँ से है और किसने ये स्ट्राइक दिलवाई है। शायद आपकी उतनी पहुंच नहीं है, शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं सिर्फ ऑन कैमरा ऐसे दिखती हूँ, ऑफ कैमरा बहुत लंबे लंबे हाथ है, खैर इतना डिटेल्स मैं किसी को प्रोवाइड नहीं करती, पर इतना जान जाइए कि आप बहुत पिछले जमाने में जी रही हैं कि स्ट्राइक किसी को दिलवा देंगे और किसी के चैनल के साथ ऐसा करवा देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। नहीं, पता तो चल जाएगा, लेकिन अदर चैनल का मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता चल जाएगा। और जब मुझे पता चलेगा तो मैं कितना परेशान कर सकती हूँ कि पिछली बार तो आपका रिएक्शन चैनल FIR के कोर्ट कचहरी करके वापस भी आप लेकर आई थी, लेकिन इस बार शायद आजीवन के लिए वापस नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी देती हूँ आपको। जितना विनोद ने आपको परेशान नहीं किया होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं आपको परेशान कर दूंगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरा हिस्ट्री उठा के देखिए। लखन को भाई मानते हो ना आप, लखन भैया को, कभी उनसे पूछ लेना मेरे बारे में, ठीक है। उसके बाद चैनल के साथ में कुछ बातें करना, क्योंकि चैनल अगर मेरा है तो चैनल सामने वाले का भी है, और अगर किसी को लगता है कि पता नहीं चलेगा तो शायद आप बहुत पिछले जमाने में जी रही हैं, क्योंकि टेक्निकल टीम से शायद आपकी कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं है, शायद इसीलिए आपको नहीं पता ये सारी चीजें, या फिर पता भी है तो आप सामने वाले को पागल समझती है कि इसको क्या ही पता होगा। नहीं पता होता है लोगों को, मुझे पता है, पर मुझे पता है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ओके। तो अब आते हैं कामिनी जी के ऊपर। तो कामिनी जी कहती हैं कि रिएक्शन चैनल वालों पर हमने नहीं किया ये सारी चीजें, ये FIR करवाना था, ये करवाना था, हमने नहीं करवाया, हमने आपको लीगल नोटिस भेज के छोड़ दिया, ठीक है। तो एक बात बताना चाहूंगी कि FIR लीगल नोटिस की शुरुआत आपने करी थी और आप कह रहे हैं अभी फिर से कि अभी मैं कुछ और तरीके से जाऊंगा, तो प्लीज आप प्रोसीड फॉरवर्ड करिए, कुछ और तरीके से भी अपनाइए कोई और तरीका, क्योंकि आप लीगल तरीके की बात कर रहे हैं ना, तो आपका जो कंटेंट है वो भी इलीगल ही है। अगर लॉ आपको थोड़ी बहुत पता होगी तो आपका जो कंटेंट आ रहा है ना यूट्यूब पे वो इलीगल है, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग कंटेंट है, ठीक है। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया पे घर के कटोरी बर्तन खनका रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं और सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे कि मेरे घर का मैटर है, भैया घर का मैटर तो घर में सॉल्व करिए, सोशल मीडिया पे अपना कटोरी बर्तन खनकाएंगे तो रिएक्शन तो मिलेगा, है ना। और ये कहते हैं कि उनको थैंक्स कहते हैं वो जो दो रिएक्शन वाले जो इनके पक्ष में बोलते हैं, भैया उनको थैंक्स बोल रहे हैं और जो रिएक्शन वाले इनके विपक्ष में बोलते हैं उनको इलीगल नोटिस भेजेंगे। मतलब जो इनके मन की बातें करता है, जो इनके पक्ष में बातें करता है ना, वो इनके लिए भगवान समान है, और जो विपक्ष में करेगा उसको ये पुलिस केस वगैरह करेंगे। तो भैया करिए पुलिस केस करिए, क्या पता पुलिस स्टेशन में आप ये केस लेके जाए तो
पुलिस आपको ये ना बोल दे कि भैया अपना घर के महजरा अपने सुलझाओ, ये भी तो बोल सकता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो ऐसा ही कुछ बोलेगा। तो प्लीज मुझे ये सब चीजों का धमकियां ना दीजिए, क्योंकि धमकियां देना बहुत भारी पड़ सकता है। तो मैं इन सब चीजों से डरती नहीं, वैसे तो मैं बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दीदी जी, आपको, आपके पास तो मेरा नंबर भी हो गया है, आजमा लीजिए, अगर आपको ज्यादा मेरे से पंगा लेने का वो है ना, तो रिएक्शन चैनल कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कीड़े मकोड़े। आइए, एड्रेस भी दे दूंगी, आइए मेरे घर पे। हाँ, प्यार से रहेंगे तो प्यार से स्वागत करेंगे, नहीं चू चप्पड़ करेंगे तो क्या पता है सही सलामत वापस भी ना जा पाए। तो मैं बहुत बिंदास हूँ। अब आते हैं इन पे कि ये जो इनके घर में सट रही थी, ऐसा कर रही थी, वैसा कर रही थी, भैया आपने किसी को अपने घर में आने का मौका क्यों दिया? आप ही तो मिली उस इंसान से, गलती आपकी नहीं। आज उस इंसान की गलतियां आप कह रही हैं जेठानी जी कि मेरे घर में ऐसे घुसी, इन लोगों के लिए ऐसे बोला वैसे बोला। उस टाइम पे ये बातें आपको समझ में नहीं आई थी कि ये सब चीजें जो हो रही हैं या जो ये आप लोगों से करवा रही है वो गलत करवा रही है? तब तो आप लोगों को बहुत खुशी था, चलो कोई आया इसके थ्रू, इसके हेल्प से हम ये सारे काम करवा ले रहे हैं। क्या तब आपको ये सारी चीजें नहीं आई थी? बात बोलनी चाहिए थी ना, सब्सक्राइबर्स पसंद नहीं करते, ये नहीं करते, तो आपके सब्सक्राइबर्स ने ये भी नहीं पसंद करा था कि आप किसी रिएक्शन चैनल्स को लीगल नोटिस भेजेंगे, लेकिन आपने ये काम किया ना। मतलब जो आपके मतलब के काम है वो आप कर रही थी, और ये बातें अब आपको समझ में आ रही है कि किसी के बारे में किसी का भांडा फोड़ना है, तब आपको समझ में नहीं आ रही थी चीजें। दीदी जी ने जो कहा है आपके बारे में, मैं उन बातों को भी सच मानती हूँ, हाँ उसने भी सही बोला है, और लेकिन आप जो बोल रही है दीदी जी के बारे में, मैं उसको भी सच मान रही हूँ कि हाँ आप भी सच ही बोल रही हैं, क्योंकि दोनों ही बातों में सच्चाई है। अब दोनों ही एक दूसरे की कोलम पट्टियां खोल रही है यहाँ पे बैठ के। और रही बात परिवार से बाहर नहीं जाना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप परिवार से बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर एक बार आप परिवार से अपने रिश्ते खराब कर देंगी, इतनी हदें पार कर देंगी, तो शायद आप किसी मुसीबत में आगे चल के फंसेंगी तो वो परिवार आपके काम ना आए, वो परिवार आपका साथ ही छोड़ दे, आपका साथ ही ना दे। तो बिल्कुल किसी भी बाहर वाले को अपने परिवार के अंदर कभी एंटर नहीं करने देना चाहिए, किसी भी बाहर वाले को अपने परिवार में घुसने का इतना परमिशन ही नहीं देना चाहिए कि आज बात यहां तक पहुंच गई, इतना तहस नहस हो गया कि निक्की के माँ को घसीटा जा रहा है। अब एक है रिएक्शन रोस्ट, उनके लाइव से कल मैं होकर आई थी। भैया आप लोग ये क्या करते हैं, पर्सनल चैट्स किसी के क्यों लीक कर रहे हैं? मतलब पहले तो बतियाओ किसी से, खूब जीभ खोल के मार चुगलियां बतियाओ, मार साथ दो अच्छे रहो, और जब किसी से दुश्मनी हो जाए तो उसका सारा कोलम पट्टी पर्सनल चैट सब कुछ खोल के रख दो? क्या यही मोरल है आप लोगों के अंदर, यही सारी चीजें? और मुझे तो लगता है मुझे चैट डाला गया है ना रिएक्शन रोस्ट के थ्रू कम्युनिटी में, वो आधी चैट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो पूरी तरीके से चैट उसमें है। एक पॉइंट बस दिखाया गया कि ऐसी चीजें हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है भैया ये तो निक्की बता सकती है कि इसके पीछे की क्या कहानी है और कैसी कहानी है। आई होप वो जल्दी गांव से आए, या कॉन्ट्रोवर्सी इतनी आगे चल चुकी है, वो देखे और कुछ चीजों को बताए कि हाँ हाँ बात क्या थी, है ना? तो ये इन लोगों का कोई ईमान नहीं होता है जो लोग किसी से बात करते हैं बाद में उसका भांडा फोड़ कर देते हैं, है ना? तो ये लोग बिन पेंदी के लोटे हैं, सही बात है, ये ना इधर के हो पाते हैं ना उधर के हो पाते हैं। पहले तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बाद में तुम्हारा हर एक चिट्टा कट्टा खोल के रख देते हैं दुनिया के सामने। क्यों? सिर्फ चंद व्यूज के लिए? अरे इंटीग्रिटी कोई चीज होती है? मोरालिटी कोई चीज होती है? अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो इस चीज में कामिनी जी बहुत अच्छी है कि अपने घर की लाख उन्होंने बहुत सारी चीजें बाहर करी, लेकिन किसी बाहर वाले को उन्होंने परमिशन नहीं दिया, अपने घर की पोलम पट्टियां उससे नहीं खोली, और ना आज भी इतने लड़ाई झगड़ों के बाद भी उन्होंने किसी को बोला कि मेरे घर की ऐसा मेरे घर का वैसा। तो आई लाइक दिस, ये बहुत अच्छी चीज है, और ये एक मेच्योर इंसान की पहचान है। ये जो चीजें लोग करते हैं ना कि आज मैं इससे बात करी हूं कल इसकी पोलम पट्टी, ये इमेच्योरिटी है, आपके अंदर बचपना है अगर आप ऐसी चीजें करते हैं। अरे किसी टाइम पे वो आपका अच्छा दोस्त रहा था, आपको क्या जरूरत थी अगर वो आपसे दुश्मनी नहीं ले? मुझे तो ये नहीं लगता है कि दीदी जी की कोई दुश्मनी थी कामिनी जी से, है ना? दीदी जी खुद ही आई और सारी पोलम पट्टियां खोल के चली गई हैं। पहला उनका वीडियो है, कामिनी ने कोई डिस्कशन भी नहीं करा था उनके बारे में, कुछ भी नहीं बोला था।
तो दीदी जी ने ये सारी चीजें बोली। तो शायद दीदी जी को व्यूज चाहिए था, शायद दीदी जी चाहती थी कि मैं अब कामिनी के बारे में कुछ बोलूं, या फिर क्या ये केस मुकदमे वाली बातें सही है कि प्रेशर किया जा रहा है, उनको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसीलिए डर के मारे अब वो कामिनी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है या वॉट एवर। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके कोई प्रूफ्स किसी ने पेश नहीं करे हैं। कम्युनिटी डाल देने से चलो ठीक है, इंसान जान जाता है कि इस बंदे ने ऐसा डाला, पर विश्वास कोई नहीं कर सकता है कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या इसमें झूठाई है। और रही बात भैया जी की, भैया जी अब जो ये रिएक्शन चैनल को धमकियां दे रहे हैं ना, धमकियां मत दीजिए, क्योंकि जब आप धमकी देते हैं ना मुझे और गुस्सा आ जाता है, मेरी ईगो पे हट हो जाता है, फिर क्या होता है कि मैं रोने लग जाऊंगी, और मैं रोने लग जाऊंगी तो मुझे चुप कौन करवाएगा, है ना। तो बस मेरा यही कहना था यहाँ पे कि इतना अपना वैल्यू मेंटेन रखो कि किसी की पर्सनल चीजें आके सोशल मीडिया पे लीक ना करो। और आई एम हैट्स ऑफ टू कामिनी जी कि सब वो पहले नहीं आई है किसी का पोल खोलने, दीदी जी पहले पोल खोल के बैठ गई, तो कामिनी जी वो भी 4-5 दिन इंतजार किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने पोलम पट्टियां खोलना शुरू करी। तो ये चीजें मुझे उनकी काफी अच्छी लगती है कि हाँ अपने अंदर उनकी चीजें हैं, वो नहीं चाहती कि सामने वाला बेइज्जत हो, है ना। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे बात से आप कितने सहमत हो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।